कैसी हो बेटा? बेटा बेटा कायनात, बेटा कायनात, कायनात, आपके बार बार बोलने से मुझे आपकी आवाज नहीं आने लग जाएगी, ठीक है? आप मुझे वैसे भी मुखातिब कर लेते, आप किसी को भेज के मुझे बुलवा लेते, मैं आ जाती। ऐसे आगे कमरे में शोर करने से, बार बार मेरा नाम लेने से मैं आपकी बात नहीं सुननी होगी तो नहीं सुनूंगी। बराए मेहरबानी मेरा सुकून बर्बाद ना करें और आप चले जाएं यहाँ से। बेटा ले जा, देखा है तुमने अपना? हफ्तों हफ्तों कमरों से बाहर नहीं निकलती हो। जाकर ऐसे ही चलता रहा तो तुम भी पागल हो जाओगी अपनी माँ की तरह। मैं एक शख्स को तो खो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, दूसरे को नहीं खोना चाहता। ये बात बात में मेरी माँ को बीच में मत लाया करें। आपको अगर मेरी कमजोरी मालूम हो गई, इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप हर बात में उनका नाम इस्तेमाल करें। आपके मुताबिक वो पागल थी, लेकिन थी वो मेरी माँ ही। अब बराए करम मुझे बता दीजिए कि आप इस कमरे में आए किस लिए थे। बात ये थी कि तुम्हारी अम्मी का सामान निकाला था मैंने शादी के बाद का, और सारा। अगर उसमें से तुम्हें कोई चीज़ की तलब है तो ले लो, अगर नहीं है तो वो किसी ना किसी को दान कर दो। यानी आपने सोच लिया है कि इस कमरे से आप नहीं जाएंगे, मुझे ही भेजेंगे ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, मैं चली जाती हूँ। जितनी देर बैठना बैठे। क्या करूँगा मैं अपनी बेटी। बाबा, मैंने आपसे कहा था मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे, सुकून करने दे मुझे। आपको कुछ काम था, मेरे नीचे आने का इंतजार कर लेते आप। बेटा कायनात, हाँ बेटा, मम्मी आप यही थी ना? हाँ, देखा देखा, मुझे पता था आप यही है। मैं आपको इतनी बार बोल चुकी हूँ, मैंने पापा को कितनी बार बोला कि आप यही, लेकिन वो मुझे बोलते तुम पागल हो। मैंने उनको बोला मैंने आपको महसूस किया, मैं आपको देख चुकी हूँ, मैंने रातों को आपको देखा, मैं आपको महसूस, लेकिन वो मुझे बोलते नहीं, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। नहीं आप यही ना, वो मुझे बोलते नहीं, तुम्हारी माँ मरी भी है। नहीं नहीं मैं यही हूँ मेरी जान। और वो शख्स तो मुझे भी पागल बोलता था, उसकी बातों में आने की कोई जरूरत अच्छा, नहीं है। पागल बोल, पापा से बोला कि बाबा मैं ना मम्मा को देख चुकी हूँ, मुझे बोलते तुम पागल हो। जब मैंने बोला कि पापा मेरे मम्मा को महसूस किया है, वो मुझे रात में आके लोरी सुनाती है, वो मुझे सुलाती है, लेकिन वो बोलते हैं कि बेटा नहीं, आज से बहुत साल पहले की बात थी, अब तो तुम सिर्फ ख्यालों में ख्वाब। वो एक बात को प्रूफ करने के पीछे लगे कि तुम ख्याल में हो, तुम अपनी दुनिया में रहते हो। मुझे बार बार यही बोलते कि नहीं, तुम अपनी दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे पास आई नहीं। उनको कैसे बताऊँ? अब वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे कि मैं आपसे मिली हूँ। आप चले, आप मेरे साथ बाबा के पास चले, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ मैं पागल नहीं हूँ, मेरा ख्याल नहीं, हकीकत है, आप मेरे साथ हैं। देखिए मैं आपको महसूस कर रही हूँ बैठ के। नहीं बेटा, तुम्हें तो उस शख्स की एक बात सुनने की जरूरत नहीं है। वो शख्स तो मुझे भी पागल कहता था, और किसी किस्म की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या वो तुम्हें किसी किस्म की दवाई देता है? नहीं, वो मुझे दवाइयाँ तो देते हैं, और वो 6-7 किस्म के अलग अलग दवाइयाँ देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं वो ताकत की दवाइयाँ हैं। तो नहीं, मेरी जान, वो ताकत की दवा नहीं है। वो मुझे भी ऐसे ही दवाइयाँ देता था, और अगर वो तुम्हें इस किस्म की कोई दवा दे रहा है तो ये तुम्हारे लिए खतरे की अलामत है मैं क्या करूँ? मेरी जान। अब तुम्हें अपने आप को खुद महफूज करना है। क्या मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ।
डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं अपनी बेटी का? जो दवाइयां आपने मेरी बीवी के लिए दी थी, वही मैं अपनी बेटी को दे रहा हूं, मगर वो एक अलग ही दुनिया बना के बस चुकी है। ना कमरे से बाहर निकलती है, ना कुछ समझती है, अपनी ही अलग दुनिया में है। मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? मैं तो आजिज आ चुका हूं, मैं करूं क्या? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल ऐसा ही है बेटी। तुम देखा मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना मैं कुछ करती हूँ, मैंने कर दिया। हाय बेटी, तुम किन ख्यालों में हो? तुम्हारी अम्मी का सामान है, इसमें से अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुम ले लो। तुम तो कमरे से बाहर आओगी नहीं, मैंने सोचा मैं ही ला दूँ। बेटा दूध भी वैसे ही पड़ा है, दवाइयाँ भी वैसी पड़ी हैं, और दवाई तो खा लो दूध के साथ, ऐसा कब तक चलेगा?